नादी में शराफत मंजूर, आपको बता दें वादी कश्मीर में जब भी ये सूरत हाल होती है तो पानी और बिजली को लेकर एहतजाज के मुजाहरे होते ही है। आज हम वडोदरा में मौजूद हैं और वडोदरा के लोगों ने आज जोरदार एहतजाज किया। नेशनल हाईवे करीबन 15 मिनट तक बंद रहा है। स्क्रीन पर विजुअल बता रहे हैं कि किस कदर एहतजाज के मुजाहरे इस वक्त चल रहे हैं और इस एहतजाज को लेकर अगर हम बात करें तो पीएचई माकम में से कोई भी मुलाजिम या पीएचई का एग्जन अभी तक यहां पे मौजूद नहीं है। अवामी हलकों में जहां तशवीश का मंजर है वही रंजू गम और गुस्सा भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां इससे पहले भी एक एहतजाज हुआ था, एहतजाज को लेकर एग्जन पीएचई का मानना था कि मोटर को ठीक करने की कोशिश करेंगे या इसका जनरेटर चेंज करेंगे, लेकिन आलम तो ये है वडोदरा के लोग आज भी इस हाल में ही है, ना तो जनरेटर मिल रहा है और ना मोटर इनका ठीक हो रहा है। आखिर आलम तो ये है कि क्या टेक्निकल लोग बता सकते हैं कि ये मोटर में खराबी कैसे हो, क्योंकि वादी कश्मीर में एहतजाज होना अब आम बात हो गई है पानी और बिजली को लेकर। लेकिन जहां पानी को लेकर एहतजाज चलता है वही बता रहा है कि एहतजाज बेसिक एमिनिटीज से महरूम है और बेसिक फैसिलिटीज देना एडमिनिस्ट्रेशन का एक हक है और एडमिनिस्ट्रेशन इसे नाकाम हुआ है। लेकिन आज जब इन लोगों ने एहतजाज किया तो नेशनल हाईवे पे करीबन इस वक्त की बात करें तो इस वक्त करीबन 50 से ज्यादा गाड़ियां बंद पड़ी है और यहां ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया है ना पीएचई महकमे से। और पीएचई महकमे ने अभी जो है, कैमरामैन आपको लेफ्ट साइड में घुमाएगा कैमरा और दिखा सकता है आपको, ये पीएचई ने एक गाड़ी भेजी है और ये सिर्फ इसके लिए भेजी है ताकि लोगों को शांत किया जाए। लेकिन क्या इन चीजों से लोग शांत हो सकते हैं जब तक न असल इलाज तो ना जाए। वादी कश्मीर में जब सूरत हाल ऐसी होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन सामने आती है, लेकिन हरिद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो हरिद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी सामने नहीं आया है। उम्मीद है रिपोर्ट नशर होने के बाद इस पे ध्यान दिया जाएगा। आप सुनिए मुकामी लोगों की बात, उन्होंने इस पीएचई महकमे के हवाले से क्या कुछ कहा है। यहाँ एहतजाज भी हुआ, नारेबाजी भी हुई, आप सुनिए मुकामी लोगों की बात। और शराफत मंजूर को दीजिए इजाजत, मेरे कैमरामैन शाहिद के साथ खुदा हाफिज़।